हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं तो अच्छा था और अब बहुत ही अच्छा लग रहा है, उससे भी ज़्यादा अच्छा हूँ क्योंकि अब शुरुआत हो रही है एक नई ट्रिप की। जी हाँ, मैं इस वक्त हूँ इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे टर्मिनल 3 पे और जो मेरी ये अगली ट्रिप शुरू हुई है ये एक नई कंट्री की है। कंट्री का नाम है वियतनाम और जिस जगह मैं जा रहा हूँ वो एक खूबसूरत सा आइलैंड है जिसका नाम है फुकोंग। बहुत से लोगों ने फुकोंग के नाम को भी नहीं सुना होगा क्योंकि अगर आप जब बात करते हो वियतनाम की तो हमारे मन में बहुत सारे शहर आते हैं जैसे कि हनोई हुआ, हो ची मिन्ह हुआ, दानांग हुआ, लेकिन फुकोंग बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है। हो ची मिन्ह से लगभग 10 से 12 घंटे की दूरी पे है और बहुत ही शांत, बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है और उसकी जो खूबियाँ हैं वो आपको धीरे धीरे पता चलेंगी वीडियो में, क्योंकि ये ट्रिप मेरा होने वाला है, ये बहुत ही सस्ते में करने वाला हूँ मैं। जी हाँ, आप लोगों को यकीन नहीं होगा लेकिन जितना मेरा बजट इस ट्रिप का है, जो भी ट्रिप होने वाली है ये होने वाली है 3 nights 4 days की और इसका बजट इतना कम रखा है मैंने जितने में आप इंडिया में भी सही ढंग से घूम नहीं सकते। टोटल जो मेरा बजट है इस ट्रिप का वो है 20,000 rupees। जी हाँ, 20,000 rupees का मेरा बजट है पूरी ट्रिप का और इसमें फ़्लाइट्स, लोकल ट्रांसपोर्टेशन, वीज़ा और इसके अलावा आपका जो फूड है सब कुछ इसमें होने वाला है। कैसे करूँगा, कैसे किया सब पता लगेगा आपको वीडियो में, तो वीडियो में बने रहिए आप हमारे साथ, तक लास्ट तक देखिएगा वीडियो को। और फ्लैट्स बुक कर ली थी हमने। अच्छा, फ्लैट्स जो हमने बुक की थी वो की थी लगभग 1 से 1.5 महीने पहले जब सेल चल रही थी और फ्लैट्स मैंने बुक की हैं VietJet एयरलाइन में जो कि वियतनाम की एयरलाइन है। इसके लिए मैंने पे किए थे टोटल 11,700 rupees के करीब। 11,500 rupees में दिल्ली से फुकोंग और फुकोंग से दिल्ली तक की टिकट हमने बुक कर ली थी। इस टाइम पे थोड़ा सा पीक सीजन चल रहा है, आपको पता ही होगा कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये थोड़ा हाई सीज़न होता है तो इसमें थोड़े से टिकट प्राइस जो होते हैं महंगे हो जाते हैं। तो हो सकता है कि अगर अभी चेक करोगे तो थोड़ा कॉस्टली लगेगा आपको, लेकिन जब हमने बुक की थी तो लगभग 11,500 rupees में हमारी टिकट बुक हो गई थी इस चीज़ की, आने और जाने की। अब बचते हैं मेरे पास में लगभग 8,500 rupees। इसमें 8,500 rupees में हमें वहाँ पे सब कुछ करना है, खाना भी खाना है, होटल भी बुक करना है और लोकल ट्रांसपोर्टेशन भी इसी में रहेगा हमारा, चाहे वो आपका टैक्सी हो, मोटर बाइक हो, सब कुछ इसी में रहेगा। गेट नंबर हमारा 18 है, लगभग आधे घंटे का टाइम बचा हुआ है बोर्डिंग स्टार्ट होने में, देखते हैं। वैसे अगर बात की जाए VietJet एयरलाइन की तो बहुत से इसके नेगेटिव कमेंट भी आते हैं कि सस्ती है, अंदर पानी भी खरीदना पड़ता है, उसके पैसे लगते हैं, लेकिन ठीक है। मैंने एक बार इसका पहले बैठा हूँ मैं इसमें, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हुई है। आज सेकेंड टाइम बैठ रहा हूँ मैं, देखता हूँ क्या दिक्कत रहती है। सस्ती है, अच्छी है यार, कोई दिक्कत नहीं है वैसे इसमें। गेट नंबर 18 आ गया है, भीड़ लगी हुई है, देखते हैं अभी। ये रहा गेट नंबर 18, जो पब्लिक बैठी हुई है ये सारी फुकोंग वाली ही बैठी हुई है शायद, अभी बोर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई है, थोड़ा टाइम लग रहा है बोर्डिंग स्टार्ट होने में। Dự định sẽ là 4 giờ bay. Thế mà cho hãng không phải chết quốc dự định sẽ là 4 giờ bay. Thế mà cho hãng không phải chết cơ trưởng Đỗ Quang Anh, tiếp viên trưởng Quốc Tuấn cùng toàn thể nhân viên. मुझे यहाँ पे आए हुए 2 दिन हो चुके हैं, अभी आपने देखा रहेगा वीडियो में लास्ट में कि मैं दिल्ली से निकला हुआ था और मैं परसों यहाँ पे आ गया था। परसों सुबह फ्लाइट लैंड करी थी मेरी, 4:35 पे आ गई थी।
लेकिन यहाँ पे आने के बाद तबीयत ख़राब हुई मेरी। आपको तो पता ही है कि इतने दिल्ली में या फिर इंडिया में कितनी सर्दी है यार। वहाँ से निकला था तो टेम्परेचर था 5-6 डिग्री का, और यहाँ पहुँचा तो टेम्परेचर मिला है मुझे 27 डिग्री का। तो सर्दी गर्मी हो गई, बाहर आ गया, 2 दिन से पड़ा हुआ था, आज कुछ आराम मिली है, तो सोचा कि वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। एयरपोर्ट से निकला था लगभग 4:45 बजे, बाहर टैक्सी मिल गई थी। टैक्सी वाले ने हमसे लिए थे होटल तक आने के 1,80,000 वियतनामीज डोंग। अच्छा, जो वियतनामीज डोंग यहाँ की करेंसी है, अगर आप उसको मल्टीप्लाई करोगे अपनी इंडियन करेंसी से, तो लगभग यहाँ का जो 1,00,000 वियतनामीज डोंग है वो इंडिया के हैं बनते हैं लगभग 355 रुपये, 350 रुपये करीब। जो मेरा होटल था जो मैंने बुक किया था वो थोड़ा दूरी पे था एयरपोर्ट से, तो इसलिए हमें देने पड़े थे 1,80,000 डोंग, तकरीबन आप जोड़ लो 700 रुपये करीब बनते होंगे। और अगर आप चाहो तो वहाँ के जो नियर बाई होटल्स वगैरह भी हैं वहाँ पर भी रुक सकते हो। लगभग देखो सुबह का टाइम होता है, हमारी जो फ्लाइट दिल्ली से आती है वो उतरती है 4 बजे करीब, तो सुबह थोड़ी सी टैक्सी वगैरह महंगी मिल जाती है, इतनी सस्ती नहीं पड़ती टैक्सी वगैरह, तो इतना बजट लेकर चलना पड़ेगा हम लोग को। 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में टैक्सी मिल जाती है वहाँ से। और होटल बुक कर लिया था हमने, अभी मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ये हमारा होटल ही है, नाम है इसका फ्लामिंगो विलेज, या फिर से आप सर्च करोगे तो फिला विलेज करके भी देख सकते हो, FLA विलेज, फिला विलेज। इसके लिए मैंने पे किए थे 1,000 रुपीज़ पर डे या पर नाइट, 1,000 रुपीज़ इंडियन करेंसी में। यहाँ के अगर आप जोड़ोगे तो लगभग 3 लाख के करीब बनते हैं, 3 लाख वियतनामीज डोंग पर डे के हिसाब से हमने बुक किया हुआ है। बहुत ही अच्छा होटल है, होटल के रिजॉर्ट बोल लीजिए आप इसे, रिजॉर्ट है, रूम्स बने हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है हमारा मेन रोड, सामने शॉप्स लगी हुई हैं, ये लोकल फूड्स वगैरह ट्राई करना हो तो आप यहाँ से ट्राई कर सकते हो। और ये रहा हमारा होटल रिजॉर्ट फिला विलेज, ये इसकी मेन एंट्री हो गई। ये रहा, फ्लामिंगो विलेज। ये इसका रिसेप्शन एरिया है, और ये कॉटेज से बने हुए हैं यहाँ पे। यहाँ पे होटल्स वगैरह बहुत सस्ते हैं यार, अगर आप थोड़ा सा R&D करोगे, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ढूंढने के लिए, 1,000 रुपये पर डे आपको होटल मिल जाएगा यहाँ पे। ये देखिए ये कॉटेज है, ये थोड़े कॉस्टली पड़ेंगे, मैं तो नॉर्मल सा रूम बुक किया हुआ है जिसके हमने पे किए हैं 1,000 रुपये इंडियन करेंसी में। ये जो कॉटेज थोड़े महंगे पड़ेंगे आपको, हो सकता है 1,500-1,600 रुपये से करीब पड़ेगा। ये सही है यार, सब कुछ है इसमें, आपका स्विमिंग पूल वगैरह भी है, मैं आपको स्विमिंग पूल दिखाता हूँ अभी। जो हमारा रूम है वो इस कैटेगरी में आता है, ये रहा सामने, बेडरूम है, बाथरूम ठीक ठाक है, ज़्यादा छोटा नहीं है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। और ये रहा हमारा सामने स्विमिंग पूल, एक और बात शेयर करनी थी मुझे आप लोगों से, और वो है वीज़ा के बारे में। वियतनाम का जो ई चलता है ई वीज़ा, अगर आप इंडियन हो तो आप ई वीज़ा लेकर के वियतनाम आ सकते हो घूमने के लिए, इसकी एक ऑफिशियल वेबसाइट है, बेटर होगा कि आप वहीं से वीज़ा अप्लाई करो। तो जो एक्चुअल रेट है वो है $25 पर पर्सन पर वीज़ा। इसके अलावा बहुत सारी फेक वेबसाइट भी होती हैं जो बिल्कुल मैचिंग की होंगी, आपको लगेगा कि यहाँ ये वियतनाम की वीज़ा की वेबसाइट है लेकिन वो फेक वेबसाइट होगी। वहाँ के लिए आप पे करोगे $55, $60, अलग अलग फीस होती है, तो बेटर होगा कि आप जो है जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है मैं उसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ई वीज़ा अप्लाई कर दो।
डॉक्यूमेंटेशन के लिए वो मांगते हैं सिर्फ आपका पासपोर्ट का फ्रंट पेज और फोटो, बस 3-4 दिनों में आपका वीज़ा। बेडरूम है, बाथरूम ठीक ठाक है, ज़्यादा छोटा नहीं है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। और ये रहा हमारा सामने स्विमिंग पूल। इमिग्रेशन मुझसे पूछा गया था कि यू हैव वीज़ा, मैंने कहा हाँ वीज़ा है। अगर ना होता तो मैं उनसे बोलता कि नहीं है वीज़ा, तो फिर वो स्टैम्प मार देते उस पर और मुझे एंट्री तो मिल जाती है अंदर, लेकिन मैं सिर्फ हुकूक में ही रुक सकता था। ठीक है यार, अच्छा है यार, अच्छा क्या, बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत ही सुकून है यहाँ पे, एकदम शांत सा रिजॉर्ट है ये, ज़्यादा भगदड़ नहीं है, बहुत कम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं मोस्टली इस पीक सीजन में भी, मेरे को लगता है कि आधा जो खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, अब आते हैं अपने असली मुद्दे पे कि इसको ट्रिप को आगे कैसे बढ़ाएंगे, कि सही से आगे कैसे बढ़ाना है कि कम से कम बजट में हमारा काम चल जाए। अभी तक जो हमारा खर्चा हुआ है वो टोटल हुआ है 11,500 रुपये फ़्लाइट का था हमारा आने और जाने का। वहाँ से हमने टैक्सी बुक की थी लगभग 700 रुपये की, और रिजॉर्ट बुक किया हमने ये 1,000 रुपये पर डे के हिसाब से। 2 दिन हमारे हो चुके हैं यहाँ पे, अब देखते हैं अगर ये इसी को कंटिन्यू करना है आगे से या फिर कोई और लूँगा। अगर इसी रेट में मिल जाता है कहीं पे तो कहीं और भी जा सकता हूँ मैं, क्योंकि एक लोकेशन पर रुक लिया हूँ, अब जाता हूँ दूसरी जगह पर रुकने के लिए। अब बचा हमारा स्कूटी, स्कूटी भी ले लेते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा स्कूटी कैसे लेते हैं, कितने में मिली है। इस वीडियो के मैं बनाऊंगा टोटल 3 पार्ट, एक पार्ट में आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ पे फ्लाइट से आना, होटल, अगले में मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे स्कूटी और जो यहाँ पे लोकल साइट सीइंग है, कहाँ कहाँ जा सकते हो घूमने के लिए आप लोग, वो दिखाऊंगा। और तीसरे में आपको दिखाऊंगा मैं टोटल कॉस्टिंग, यहाँ के जो सुपर मार्केट्स हैं, आपको सामान वगैरह लेनी तो कहाँ से लेनी है, खाना कहाँ पर खाना है। अच्छा, इंडियन फूड यहाँ बहुत महंगा है यार, मैं तो पहले आ चुका हूँ, मेरे को मालूम था। अगर आप अकेले आते हो तो आप ये मान के चलो कि एक टाइम का जो आपको खाना पड़ेगा वो लगभग पड़ेगा आपका 700 से 800 रुपये का एक टाइम का इंडियन फूड। लोकल फूड अगर आपको पसंद है तो आप ट्राई कर सकते हो, या फिर आप मेरे तरह भी कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ कि दिन में जाता हूँ खाने के लिए इंडियन फूड, और रात को सुपर मार्केट ज़्यादा चला जाता हूँ मैं, वहाँ से अपना नूडल्स ले लिए और सुबह नाश्ते के लिए अंडे ले लिए, उन्हें बॉयल कर लिया अपने रूम में ही, होटल में ही इलेक्ट्रिक केटल रहती है उसमें आप बॉयल कर सकते हो इजली अंडों को, अंडे ले लिए, केक ले लिए, ब्रेड ले लिए, कॉफ़ी मिल जाती है आपको होटल में ही, तो नाश्ता वैसे चल जाएगा आपका। खाना अगर आप चाहो, अगर आप इंडियन फूड ही खाना चाहते हो तो आप जा सकते हो खाने के लिए, लेकिन थोड़ा सा ध्यान में रखना कि कॉस्टली पड़ जाता है इंडियन खाना यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा एंजॉय करता हूँ, नहाता हूँ स्विमिंग पूल में, बाकी वीडियो कंटिन्यू करता हूँ आगे।